हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने कैसे व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी सोचा था कि बहुत दिन से व्लॉगिंग करूंगा, बट मेरा ये था कि मैं जब केदारनाथ जाऊंगा फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं वहां से स्टार्ट करूंगा व्लॉगिंग। बट सडनली कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक हम नहीं जा सकते कहीं भी। तो वही हुआ है मेरे साथ भी इस बार। और कल रात मेरे पास सडनली मेरे एक बड़े भैया का कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि मथुरा जाने के लिए, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में मथुरा, वृंदावन, गोकुल की जो होली है पूरे भारतवर्ष में सबसे फेमस है, ठीक है। तो हम वहीं जाएंगे और मेरे को जिन भैया का आता है मैं आपको सबसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ठीक है। हम चार पांच बंदे जा रहे हैं, जिसमें से कि मेरे इन भैया का आता है, ये हैं भैया जी मेरे, इनका मुझे कॉल आता है, ठीक है। और ये हमारे बड़े भैया हैं जो कि अभी गाड़ी रेडी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए ड्राइवर बन के आएंगे। दोस्तों तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे मतलब बिल्कुल रेडी हो रही है अच्छे से, फिर यमुना एक्सप्रेस के थ्रू जाएगी ये गाड़ी हमारी। और मैं आपको मिलाता हूँ हमारे एक और जो पर्सन हमारे साथ ग्रुप में, इस ब्लॉगर में है, वो मेरे छोटे और भैया हैं, एक और बड़े ये हैं वो। हेलो। ये भी जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आगे की आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है आगे हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम घर से निकल चुके हैं और हमने अपने मथुरा यात्रा में अपने पांचवे बंदे को भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। हमारे पांचवे साथी है, तो कुल हम अब पांच लोग जा रहे हैं मथुरा यात्रा में। दोस्तों तो अभी हम रास्ते में ही हैं, अभी हम ढोलक वहाँ पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए हम अपना एक्साइटमेंट आप सभी के साथ शेयर करते हैं, सबका एक्साइटमेंट क्या क्या है, क्योंकि हम सभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मथुरा में होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भैया, आपकी एक्साइटमेंट कैसी है होली में आप जा रहे हो वहाँ? तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा है यूट्यूब पे कि होली में वहाँ पर कैसे लोग इन्जॉय करते हैं भक्त लोग। तो वैसे गए हैं हम लोग, पहले भी गए मथुरा गए हुए हैं, बट होली में पहली बार जा रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो जैसे देख रहा हूँ इन भैया से बात करें, तो भैया आप जैसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मथुरा, तो आपको कैसा एक्साइटमेंट लग रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ का होली कैसा बनेगा, और बहुत सुनने में आया कि वहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं बिहारी जी की, वो क्या कहते हैं, अच्छी तरह से लट चार्ज होली ना, लट चार्ज होती है जो बहुत अच्छा अमेजिंग। तो देखते हैं और बाकी आगे हम भी पूछते हैं भैया से। ये हीरो अभी बन रहे हैं, कबीर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं भैया, आप अपना एक्साइटमेंट शेयर करें। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है होली में, बाकी अपडेट करते हैं आप लोगों को टाइम टू टाइम। और ये हमारे बड़े भैया थोड़ा गुस्से हो गए हैं भैया, आप बताएं आपका क्या शेयर करना चाहेंगे आप? भैया नहीं शेयर करेंगे यार। ये अभी हम सब उतरे हुए हैं गाड़ी से, गाड़ी में सी एन जी भरवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में सी एन जी भी भरवा दो, क्योंकि यहाँ से करीब करीब 200-250 किलोमीटर है यहाँ से मथुरा। तो इसलिए भी हम सब उतरे हुए हैं और गाड़ी की आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइनें हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर, ये यमुना एक्सप्रेस है जो मेरे पीछे में आप देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं हम सभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए, काफ़ी हमने लंबा सफर अभी कर लिया है। यहाँ से हमारा जो मथुरा है वो करीब 120 किलोमीटर है, तो हम बहुत जल्द पहुँच जाएंगे आपको, और आगे का हम दिखाएंगे जो भी हमारे साथ साथ होगा हमारे साथ पूरे रास्ते में। और यहाँ पे लोग फ्रेश होने के लिए होते हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे लोग आए। अभी हम ढाबे पे आए हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, फिर चलते हैं।
यहाँ से ज्यादा नहीं, बस 40-50 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पे सारे एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या खाना है, क्या खाना है, देखते हैं कौन पहले ऑर्डर करता है। भैया जी क्या खाना है आपको? तंदूरी रोटी मंगवाते हैं। ठीक है पनीर में। भैया और आपको क्या खाना है? हाय हेलो हाउ आर यू। हाय खाना क्या है? हाय हेलो, हाय हेलो खाओगे? क्या खाओगे दिखाओ। भैया आपको क्या खाना है? जो सब खाएंगे वो खा लेंगे। ये अभी ऑर्डर लेने आ गए हैं, अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं। आप क्या खाओगे? हम तो गोभी पराठा खा रहे हैं, तुम क्या खाओगे बताओ? सारा आइटम मिल जाएगा भैया, सब्जी होगी सब। बनाने में क्या? आलू पराठा आलू भर दिया, गोभी पराठा गोभी भर दिया, पनीर पराठा पनीर भर दिया। जो सब खाएंगे वही खा लेंगे। गोभी पराठा हुआ दो, तुम क्या खा रहे? गोभी पराठा तीन। आप? गोभी पराठा आलू है, गोभी है, पनीर है, मूली है, जो खाओगे बताओ। गोभी पराठा देख लिया, खाने वाले पांच डिसीजन एक कर लिया। पकौड़े है ना? ये दबा के मक्खन लग रहा है यहाँ पे। अरे वाह, कौन सा पराठा खाइए? गोभी का। गोभी पराठा आपके लिए मिक्स है? ये कौन सा पराठा भैया जी? मिक्स मिक्स, ऊपर तीन गोभी है, नीचे दो मिक्स है। मिक्स हो गया, एक काम का। कौन सा पराठा? अमूल। ये गोकुल नाम न्यूट्रला लाइट। न्यूट्रला लाइट 20 रुपए में 100 ग्राम। ये बटर मिलता है ओनली प्रभात मेडिकल एजेंसी। चलो अब खा के मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अभी गाड़ी से उतर गए हैं, होटल से खाना खाने होने के बाद हम गाड़ी में बैठे थे। उसके बाद अभी हम वृंदावन आए हैं बांके बिहारी के मंदिर, और यहाँ पे हमने अभी गाड़ी पार्क लगा दी है अपनी बांके बिहारी मंदिर के 1 किलोमीटर दूर। करीब करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना है, ठीक है? और आगे जाके हम देखते हैं मंदिर में कैसे होली का महोत्सव खेला जा रहा है, कैसे प्ले हो रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब भीड़ है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है? अभी बहुत लंबी लाइन है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी लाजवाब होली खेली गई है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजा आया है हमें बांके बिहारी मंदिर जी के। अब आगे हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, गोकुल या फिर मथुरा। बिहारी मंदिर से चले थे और ये अभी हम अभी जस्ट पहुंचे हैं हमारा गोकुल, क्योंकि कहा गया है आज गोकुल में हो रहा है जो भी हो रहा है हमारा, ठीक है? तो हम देखते हैं गोकुल में क्या सब हो रहा है, मंदिर के अंदर जाके हम देखते हैं और आपको बताते हैं ऐसा हो रहा है। देख रहे हैं अभी
फेस मैंने थोड़ा धोया है, तब से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ठीक है, अभी हम गोकुल आए हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा ठंडा पी लें, ठीक है, गोला खा ले। तो देख रहे अभी हम बनवा रहे हैं यहाँ पे। अमन बाबू आप बताइए, आपको कैसा लगा गोकुल धाम का होली? तो बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने यहाँ पे ऐसा क्या फील करा जो आपको बहुत अच्छा लगा? यहाँ पे कोयल क्या, गरम गरम पानी, यहाँ पे फ्रीडम थी। अच्छा, हर बंदा अपने हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। बिल्कुल, ये तो उस तरीके से एंजॉय कर रहा था। क्यों यहाँ पे अगर पानी भी बनाया जाए तो गरम 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 पानी, गरम पानी तो पानी दिया, थोड़ा ठंडा दे रहे थे तो मजा भी आता। गर्मी में गर्मी गरम पानी देगा। मैं तो यही बोलूंगा अगली बार आप सारे भी यहाँ जरूर आए गोकुल में और होली का आनंद लें। दोस्तों अभी हम वहाँ आए थे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। ठीक है, बट वहाँ आके हमें पता चला वहाँ होली और वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर हमने अभी गाड़ी वहाँ पे अपनी लगा के ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके शेयर और लाइक करके मुझे बताएं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाय। Oh, 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 oh